आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक की जिसके बारे में आज तक मैंने बात नहीं की, और इस टॉपिक के बारे में न जाने में कितने दिनों से सोच रहा था, बनाऊं ना बनाऊं, बोलूं ना बोलूं, कैसा लगेगा यार। लेकिन फाइनली आज मेरे जमीर ने जवाब दे दिया और कह दिया कि यार ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना बच्चों को बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा लेकिन भटक रहा है प्यार में, अब कैसे मेंटेन करें, ये दोनों चीज एक साथ करूं या ना करूं, मेरा सजेशन क्या है, इंग्लिश बाबा का सजेशन क्या है, बने रहो इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में फालतू की लेक्चरबाजी नहीं दूंगा, अबे यार ये तो गलत है, अरे ये क्या कर दिया, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये तो बात की बातें हैं, पहले बड़ा बन जा। यार एक बात समझो, एक बच्चा जो सेवंथ में है, एट्थ में है, नाइन्थ में है, टेंथ में है, ट्वेल्थ में है, कॉलेज में है, उसे सब लोग ज्ञान पील रहे हैं ये मत कर, ये मत कर, ये गलत है, उसके दिल को कौन समझेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या रीजन है कि मेरे बच्चे को क्लास सिक्स के अंदर, सेवंथ के अंदर, एट्थ के अंदर, नाइन्थ के अंदर, टेंथ के अंदर इस तरह के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन। पहले वो प्लांट से शुरू करेगा, फिर वो एनिमल्स में आ जाएगा, फिर वो ह्यूमंस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई को, क्योंकि बोर्ड को, एजुकेशन को ये लगता है कि अच्छा टाइम आ गया है, बच्चा सेवंथ क्लास का इतना मैच्योर हो गया है कि अब उसे ये टॉपिक पढ़ाए जा, और वो पढ़ाए जाते हैं। जब उसे ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उसके क्लास में, एग्जाम में आ रहा है कि भाई आप जैसे जैसे बड़े होते हो हार्मोन्स ग्रो कर रहे हैं, ये है वो है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, वो मैं इस टॉपिक में नहीं सिखा रहा। तो बच्चे के जो इमोशंस हैं, बच्चे के जो इमोशंस हैं वो भी तो साथ के साथ ग्रो कर रहे हैं। अब बच्चे को कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि उन इमोशंस को कैसे रखना है, कंट्रोल करना है, नेगेटिविटी से कैसे बचना है, आगे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आजकल, आप आजकल नहीं, हमेशा से जब बॉयज और गर्ल्स साथ साथ पढ़ते हैं, देखो मैंने पहले ही कह दिया था बातें थोड़ी सी सेंसिटिव करने वाला हूं, तो एक इमोशंस, अटैचमेंट, प्यार, लव, जो भी तुम्हें नाम देना है, वो डेवलप होना कोई भी अननेचुरल नहीं है, इट इज कंप्लीटली नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल है। यार मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, तुम्हारे घर में दो दिन पहले एक डॉग आया, पैट, ठीक है, उस पैट को किसी ने लात मार दी, तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता, कि किसी ने लात क्यों मारी, उसे गाली क्यों दी? तो दो दिन के अंदर अंदर तुम्हारे इमोशन अटैच हो गए उस जानवर से जिसे दो दिन पहले तुम जानते नहीं थे। तो ओबियस बात है, जब हम साथ साथ ट्यूशन जाएंगे, स्कूल में होंगे, वॉट एवर, कहीं पे भी, इमोशंस का डेवलप होना बिल्कुल नेचुरल है। और हर कोई, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो, कोई भी हो, हर कोई इस स्टेज से गुजरता है। यहां जिस स्टेज की बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं 14 ईयर से लेके 22 ईयर्स के बच्चों के लिए, हर कोई गुजरता है ऑलमोस्ट, कोई बिरले ही होंगे भाई साहब, कोई 10% जो जिन्हें शायद ही अटैचमेंट नहीं होता। अब ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है, क्यों बात कर रहा हूं मैं भाई, इसमें ना दो चीजें होती हैं, या तो इंसान नेगेटिव रास्ते पर चलने लगता है पूरी तरह से, अभी डिस्कस करूंगा, और या पॉजिटिव। मैं इस वीडियो के थ्रू हर उस बच्चे को जिसे अटैचमेंट है, प्यार है, क्रश है, ये बताना चाह रहा हूं भाई तू गलत है, सही है, या तू क्या कर सकता है, या तू क्या कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूं, रियल स्टोरी, नाम नहीं बताऊंगा उन लोगों के। टेंथ के बाद, क्लास टेंथ के बाद एक क्रूशियल स्टेप लेना पड़ता है हर बच्चे को, क्या साइंस लूं, आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं, साइंस में भी बायो लूं या मैथ्स लूं। मैं बहुत बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने ये डिसीजन
केवल इस बेस पे लिया कि जो मेरी बंदी लेगी, जो मेरा बॉयफ्रेंड लेगा भाई, अगर वो आर्ट चूज करेगा तो फिर उसी कॉलेज में उसी स्कूल में मैं एडमिशन लूंगा और आर्ट्स ही लूंगा। वो कॉमर्स लेगा है, तो मैं भी कॉमर्स लूंगी। वो आर्ट्स ले, वो बायो लेगी तो मैं भी भाई बायो लूंगा। भाई ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूं, अटैचमेंट तुम्हारा समझ रहा हूं, लेकिन ये ब्लंडर बिल्कुल मत करना जिंदगी के अंदर। तुम्हें मेरी बातें कुछ खराब लगेंगी, कुछ अच्छी लगेंगी। भाई ये ब्लंडर कभी मत करना। देखो यार, जो बंदर है ना वो पेड़ पे चढ़ने के लिए बना है, और मछली बनी है पानी के अंदर तैरने के लिए। तो बंदर ये सोचे कि मैं मछली की तरह पानी में तैर लूंगा, और वाइस वर्सा, मछली ये सोचे कि भाई मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, नहीं चढ़ोगे। अटैचमेंट है, अच्छी बात है, ठीक है, उसे बायो पढ़ने दो। हो सकता है मेरे भाई तुम मैथ्स के लिए पढ़े हो, बने हो, सॉरी, तुम मैथ्स के लिए बने हो, तुम मैथ पढ़। उसने मिलना होगा तो वो तब मिलेगी जब तू मैथ्स के अंदर कुछ करके दिखाएगा। तूने बायो ले ली, तूने आर्ट्स ले ली, बेफालतू के उसके चक्कर में तू भी जीरो हो गया और बंदी कहीं और निकल गई। मैंने कहा था मेरी बातें बुरी लगेंगी, मैंने कहा था, आगे आ जाओ। अब बात करूंगा अगर, देखो अगर वर्ड का यूज कर रहा हूं, अगर बच्चा कहता है कि सर आप बताओ क्या करूं ऐसी सिचुएशन में, कैसे मुझे अपनी क्लासेस में पढ़ाई करनी चाहिए, जो मेरा पहला सजेशन है, पहला बिल्कुल फोरमोस्ट, और जो मैं चाहता हूं, भाई तुम अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। दिस इज नॉट द टाइम फॉर लव, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ रोमांस, दिस इज द टाइम फॉर स्टडी। मुझे पता है बहुत लोगों को ये वाली बात बुरी लगेगी। देखो मैंने अपना सजेशन दे रहा हूं, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। भाई मेरा पहला सजेशन है कि ये जो टाइम चल रहा है, तुम क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, भाई ये पढ़ने वाला टाइम चल रहा है, फोड़ने वाला टाइम चल रहा है, तो मैं आपको जो सजेशन दूंगा, गो फॉर कंट्रोल। लेकिन मेरे लिए कहना बहुत आसान है, अरे हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हर कोई इस स्टेज से गुजरता है, कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। तुम कहते हो सर ये वाले ऑप्शन में हम नहीं जा सकते, अब बोलो अब क्या करूं। भाई अगर नहीं है कंट्रोल, पसंद करते हो किसी को, बिल्कुल दिल दे बैठे हो, तो अब ये वाला दूसरा रास्ता चुन लो। सर दूसरा रास्ता? हां दूसरा रास्ता है बी प्रोडक्टिव। सर ये क्या है, क्या कहना चाहते हो? भाई अगर, देखो मेरी बात सुनो, अपने इमोशंस को नेगेटिव वे में जाने के बजाय पॉजिटिव वे में ले जाओ। कैसे? देखो यार एक छोटी सी बात करूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना यस या नो। मान के चलो तुम्हारी खुद की कोई सिस्टर है, या चलो तुम्हारी नहीं, तुम कहोगे सर हमारी क्यों ले रहे हो, अपनी लो। मान के चलो भाई मेरी कोई सिस्टर है, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा, या मैं उसके लिए कोई लड़का देख रहा हूं, तो मैं उस लड़के में क्या देखूंगा मुझे बताओ। भाई मैं ये देखूंगा, हमारा समाज ये देखता है कि लड़का दो पैसे कमाता है या नहीं कमाता, यस और नो। लड़का अपने पैरों पर खड़ा है कि नहीं खड़ा, समाज में उसकी इज्जत है कि नहीं है, यही चीजें तो देखी जाती है, यही तो मेन है। तो सबसे पहले अगर तुम, वेदर यू आर ए बॉय और ए गर्ल आई डोंट केयर, सबसे पहले अगर तुम्हारा डबल साइडेड है, अगर डबल साइडेड है तो बहुत अच्छी बात है, तुम पहले वाले सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सेकंड वाले में। दोनों लोग ये सोच लो कि इस बार सीबीएसई के अंदर, इस बार उस एग्जाम के अंदर फोड़ देंगे। देखो याद रखना, जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो घर वाले तुम्हारे डिसीजन के साथ जाते हैं, दे रेस्पेक्ट योर डिसीजन। वो कहेंगे यार चलो यार बच्चा सेटल है, बच्चा अच्छा कमा रहा है, बच्चे ने अच्छा काम करके दिखाया, प्यार में था लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई नहीं भूला, चलो यार इसकी बात कर देते हैं, चलो यार इसका फाइनल कर देते हैं। पर भाई साहब तुम ना, अब मैं वो वाला वर्ड नहीं यूज कर सकता, तुम पागलपंती के अंदर भाई साहब ये कर वो कर, और तुमने पढ़ाई जो कि मेन चीज थी वो साइड में रख दिया, नेगेटिव हो गए, जीरो हो गए, वो जो प्यार था वो भी किसी और के साथ निकल गया। बाद में ये ध्यान रखना, चमत्कार को नमस्कार होता है। क्या कहा? चमत्कार को नमस्कार, मतलब इफ यू आर सक्सेसफुल, आप कोई भी किसी भी क्रिकेटर को देख लो, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो, कैसी भी शक्ल हो, काले गोरे छोटे, अगर सक्सेसफुल है ना तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब कैसी कैसी इनकी शादियां होती हैं।
एक चीज तो मेरे भाई बिल्कुल क्लियर है, पहला मैंने तुम्हें स्टेप बता दिया कंट्रोल वाला, और दूसरा बता रहा हूं अगर ये नहीं कर सकते हो तो ये बना लो। अब बात करूंगा उनकी जिनका एक तरफा है, भाई एक तरफा है ना, तो या तो बोल दो ताकि तुम्हें तसल्ली मिल जाए, यस और नो, क्योंकि जब आदमी ऐसे पड़ा रहता है ना, ओ यार क्या क्या क्या, तो उसके चक्कर में उसका कहीं पे भी ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई जीरो। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो अपने आप को चैलेंज दे दो कि इसने मुझे मना किया, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा। देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो केवल और केवल ये है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, मेरा कोई भी बच्चा, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कोई लव गुरु नहीं हूं, पहले ही बता रहा हूं, मेरा बस पर्पस है तुम्हें राइट डायरेक्शन में ले जाना, तुम्हारी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना, दैट्स इट, दैट्स इट। तो भाई ये जो बातें मैंने बताई है, कुछ मैंने प्रैक्टिकल स्टेप दिए, वो ध्यान रखना, कुछ भी करना यार, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डू वॉट एवर, लेकिन तुम्हारा जो मेन एम है दैट इज योर स्टडी, वो अगर डिस्टर्ब हो रही है उस चक्कर में तो तुम मेरे जीरो। करना है ना भाई, कर लो, उसका एक टाइम बता लो कि भाई आधे घंटे तुझसे बात करूंगा, कर ले बात, कर ले, जा जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन मेन फोकस वही है, पेरेंट्स की ना तब हां में बदलेगी जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे। अरे क्या कहोगे उसके घर वालों को, क्या करते क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम समथिंग, और वो जो तुम बनोगे वो तब बनोगे, वो अंदर से मोटिवेशन आएगा। बच्चा कहता सर मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन आएगा, हमने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अगर इसके बावजूद भी आप में से कोई ऐसा बच्चा है डिप्रेशन में है, या मेरे साथ अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है इस तरह की, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो englishbaba.eb पे, englishbaba.eb इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डालिए, मैं आई गो थ्रू योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को गो थ्रू करने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल सून कम बैक विद द सॉल्यूशन। आई होप मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था आपके दिल तक पहुंचा होगा, अच्छा लगा हो वीडियो शेयर कर देना, मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, बाय एवरीवन।